स्टार्ट कर दें हिंदी की बुक। कौन सी बुक? हिंदी की बुक जिसका नाम है शब्द ज्ञान। क्या नाम है इसका? शब्द ज्ञान। क्या नाम है इस बुक का? शब्द ज्ञान। देखिए बच्चों, अब हम हिंदी की बुक में ओरल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओरल। ओरल में हम ये पढ़ेंगे स्वर। क्या पढ़ेंगे? स्वर। और हम स्वर में पढ़ेंगे उनके अर्थ। क्या पढ़ेंगे? अर्थ। तो हमारे स्वर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? अ से आह तक। कहाँ तक होते हैं हमारे स्वर? अ से आह तक। कहाँ तक होते हैं बच्चों स्वर? अ से आह तक। तो हम इन्हीं के अर्थ समझेंगे आज। पर हम आज समझेंगे अ से ए तक के अर्थ। सिर्फ कहाँ से कहाँ तक के अर्थ समझेंगे? अ से ए तक के अर्थ आज हम समझेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अ से अनार। अ से अनार। अनार क्या होता है? एक फल। क्या होता है? फल। अ से अजगर। अ से अजगर। अजगर क्या होता है? सांप। बहुत बड़ा वाला सांप, जो बहुत मोटा और बहुत लंबा होता है। कैसा होता है? बहुत मोटा और बहुत लंबा होता है। अ से आम। अ से आम। आम माने फल। आम क्या होता है? एक फल होता है। कैसा होता है? मीठा होता है ना। आम का आप लोग मैंगो शेक भी बना के पीते हैं और आम भी खाते हैं, है ना। अ से आग। अ से आग। अ से क्या होता है? आग। आग मतलब फायर। क्या होता है? फायर। जैसे आग कभी 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 हम लोग ना माचिस से जलाते हैं तो गलती से हमें किसी भी चीज में लग जाता है तो आग लग जाती है ना, तो वो क्या होती है? आग। अ से आग। ई से इमली। ई से इमली। इमली कैसी होती है? खट्टी होती है। कैसी होती है? खट्टी खट्टी भी होती है और मीठी वाली भी इमली होती है ना। तो ई से इमली। ई से इंजन। ई से इंजन। इंजन किसका होता है? ट्रेन का भी इंजन होता है, गाड़ियों का भी इंजन होता है, सब चीज का इंजन होता है ना। गाड़ियों में भी तो इंजन होता है ना, कार वगैरह में इंजन होता है ना। तो ई से इंजन। ई से ईक। ई से ईक। ईक माने गन्ना। क्या होता है? ईक माने गन्ना। गन्ना कैसा होता है? मीठा होता है। कैसा होता है? गन्ने से क्या बनती है बच्चों? चीनी। क्या बनती है? चीनी। क्या बनती है? चीनी गन्ने से। ई से इनाम। ई से इनाम। इनाम मतलब हम किसी भी खेल में क्या करते हैं? भाग लेते हैं, किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं हम लोग, तो हम उसमें अगर जीत जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्राइज मिलता है। क्या मिलता है? पुरस्कार मिलता है, तो ट्रॉफी मिलती है, उसे हम बोलते हैं इनाम। ई से इनाम। क्या हुआ? इनाम। उसे उल्लू। उसे उल्लू। उल्लू कब निकलता है? रात में। कब निकलता है उल्लू? रात में। हम सब लोग सोते हैं और उल्लू जागता है पूरी रात। क्या करता है उल्लू? पूरी रात जागता है। हम लोग सोते हैं और उल्लू जागता है, क्योंकि उल्लू को तो रात में नींद ही नहीं आती है। हम लोगों को रात में नींद आती है और उसको दिन में नींद आती है ना। तो उसे उल्लू। उसे उपहार। उसे उपहार। उपहार मतलब गिफ्ट। उपहार मतलब गिफ्ट। हमें कोई भी सरप्राइज देता है या गिफ्ट देता है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपहार। बर्थडे पर आप लोगों को गिफ्ट मिलते हैं, है ना, मिलता है ना। मम्मा पापा देते हैं, आपके फ्रेंड्स देते हैं, तो उसे क्या बोल देंगे हम? उसे उपहार। क्या बोलेंगे? उसे उपहार। उसे ऊन। उसे ऊन। ऊन से क्या बनाते हैं हम लोग? स्वेटर्स बनाते हैं ना मम्मा। स्वेटर बनाती हैं ऊन से, ग्लव्स भी बनाती हैं, सॉक्स भी बनाती हैं ऊन के, सब चीज़ बनाती है ना ऊन से। मम्मा बनाती है ना स्वेटर्स, बनाती है ना। तो ऊन से क्या होता है बच्चों? ऊन। उसे ऊंट। उसे ऊंट। क्या है ये? ऊंट। ऊंट कहाँ पे पाया जाता है? रेगिस्तान में। कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में। ऊंट कहाँ रहते हैं? रेगिस्तान में। और रेगिस्तान तो बहुत गर्म गर्म जगह होती है ना। कैसी होती है? गर्म जगह। ऋषि ऋषि। ऋषि ऋषि। ऋषि मतलब होते हैं ब्राह्मण बाबा, ये लोग होते हैं ऋषि। क्या होते हैं ये लोग? ऋषि होते हैं। देखिए आप लोगों ने नहीं देखे, कोई बात नहीं। ऋषि ऋषभ। ऋषि ऋषभ।
ऋषभ माने बैल, ऋषभ माने क्या होता है, बैल होता है, ऋषभ माने बैल होता है। देखा है आप लोगों ने बैल? देखा ही होगा, देखा होगा ना। हाँ बैल से लेकिन बच के रहना पड़ता है, अगर मार देती है ना बैल तो लग जाती है ना। ऐसे एड़ी, ऐसे एड़ी, एड़ी मतलब हमारे पैर की जो एड़ियां होती हैं, पैर के नीचे का हिस्सा जिससे हम लोग चलते हैं उसे क्या बोलेंगे, ऐसे एड़ी, क्या बोलेंगे, ऐसे एड़ी। ऐसे इकतारा, ऐसे इकतारा, इकतारा मतलब होता है वीणा, क्या होती है वीणा, जो सरस्वती माता लेती है, सरस्वती माता के हाथ में होती है वो क्या होती है, वीणा होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इकतारा, क्या बोलते हैं, इकतारा। तो ऐसे इकतारा क्या होगा, ऐसे इकतारा। ओके चलिए एक और बार पढ़ते हैं हम लोग, अब मैं पढ़ूंगी और आप लोग भी बताएंगे, ठीक है। तो आसे अनार, आसे अनार, अनार कैसा होता है, मीठा मीठा, कैसा होता है अनार, मीठा मीठा, कैसा होता है मेहल, अनार मीठा, और अनार क्या होता है, एक फल होता है, क्या होता है मेहल, फल होता है। आसे अजगर, आसे अजगर, अजगर क्या होता है हर्षित, सांप, अजगर माने सांप, मोटा मोटा और लंबा लंबा सांप। आसे आम, आसे आम, आम क्या होता है शौर्य, क्या होता है आम, फल, क्या होता है फल, कैसा होता है आम, मीठा मीठा, कैसा आम होता है, मीठा मीठा, कैसा होता है आम, मीठा मीठा। आसे आग, आसे आग, इसे इमली, इसे इमली, इमली कैसी होती है, खट्टी मीठी, कैसी होती है इमली, खट्टी मीठी, है ना। आप लोग को पसंद है इमली, पसंद है, किस किस को पसंद है इमली, किसको पसंद है, किसको पसंद है, रक्षक को पसंद है, अरे वाह। इसे इंजन, इसे इंजन, गाड़ी का भी इंजन होता है, ट्रेन का भी इंजन होता है, तो इसे क्या होगा, इंजन। इसे ईख, इसे ईख, ईख माने गन्ना, ईख माने क्या होता है गन्ना, गन्ने से क्या बनती है चीनी, क्या बनती है गन्ने से चीनी, क्योंकि गन्ना मीठा मीठा होता है इसीलिए उससे मीठी मीठी चीनी बनती है ना। और चीनी हम लोग किस किस में डालते हैं, चाय में भी चीनी डालते हैं, दूध में भी चीनी डालकर पीते हैं, आप लोग पीते हैं ना मिल्क, पीते हैं ना, तभी तो स्ट्रांग बनते हैं, है ना। कौन कौन मिल्क पीता है, सभी पीते होंगे मिल्क, तभी तो स्ट्रांग बनेंगे मिल्क पियेंगे तो, है ना। इसे इनाम, इसे इनाम, इनाम मतलब जब हम किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, जीतते हैं तो हमको ट्रॉफी मिलती है, तो उस ट्रॉफी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनाम, क्या बोलते हैं बच्चों, इनाम बोलते हैं। उसे उल्लू, उसे क्या होता है, उल्लू जो कि रात में जागता है और हम लोग रात में सोते हैं, है ना। उल्लू तो हमारे घर की रक्षा करता है ना, जाग के रक्षा ही तो करता होगा ना, है ना। नहीं बच्चों, उल्लू रात में जागता है क्योंकि उसे रात में नींद ही नहीं आती और हम लोगों को रात में नींद आती है। उसे उल्लू, उसे उपहार, उपहार मतलब गिफ्ट होता है, क्या होता है, गिफ्ट होता है। उसे ऊन, उसे क्या होता है, ऊन होता है, ऊन जिससे हमारी मम्मी कपड़े बनाती है, कपड़े बना लिए ना उनसे, स्वेटर बनाती हैं, सॉक्स बनाती हैं, ग्लव्स बनाती हैं, वो होती है ऊन। उसे ऊंट, उसे ऊंट, ऊंट कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है ऊंट, रेगिस्तान में, ऊंट कहाँ रहते हैं, रेगिस्तान में, यहाँ ऊंट नहीं रहते। री से ऋषि, री से ऋषि, ऋषि मतलब ब्राह्मण पंडित ये लोग होते हैं, वो होते हैं ऋषि। री से ऋषभ, री से ऋषभ, ऋषभ मतलब बैल, क्या होता है, ऋषभ मतलब बैल होता है। ऐसे एड़ी, ऐसे क्या होता है, एड़ी होता है, क्या होता है, ऐसे एड़ी होता है। ऐसे इकतारा, ऐसे क्या होता है, इकतारा, इकतारा मतलब होता है वीणा, क्या होता है, इकतारा मतलब वीणा, जो सरस्वती माता अपने हाथ में लेती हैं वो होती है वीणा, क्या होती है बच्चों, वीणा, क्या होती है, वीणा। तो ऐसे एक तारा। ओके बच्चों, अब मैंने आपको अ से और ए तक पढ़ा दिए, अब आप इनकी बहुत बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कल मैं ये सभी से सुनने वाली हूँ, सभी से पूछूंगी मैं कि
किस किस को पता है और किस किस को नहीं पता है। ओके।